Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. तो कैसे आप लोग लोग हे गाइस, तो क्या हाल चाल। आई होप सारे लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ पबजी मोबाइल का अनदर गेम प्ले वीडियो। और यह गेम प्ले वीडियो में बहुत ज़्यादा तबाही और बहुत ज़्यादा महायुद्ध देखने को मिलेगा। तो बस गेम प्ले वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और यह गेम प्ले वीडियो में हम आते हैं स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम हमारा हॉट ड्रॉप है और हॉट ड्रॉप पर बंदे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम हॉट ड्रॉप पर स्टेडियम पर आते हैं और स्टेडियम में जैसे ही हम लैंड कर रहे थे, जैसे हमारा पिंक बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम छत पर लैंड कर रहे थे, लेकिन लैंड हो जाते हैं यहाँ तो बंदे। और यह गेम प्ले वीडियो में यहाँ स्टेडियम आते हैं तो स्टेडियम में एक भी बंदे यानी एक भी स्कोर नहीं आते हैं, और ये भी अच्छा होता है। और वीडियो लेट आने का कारण यही है गाइस कि हमारा भी कॉलेज में जैसे कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम कॉलेज अभी जा रहे हैं। तो कॉलेज में हल्का जाने में हम गेम प्ले उतना खेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए गेम प्ले बहुत कम अभी निकल रहा है। तो बस गेम कॉलेज का काम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम फटाफट कॉलेज का काम कर जल्दी जल्दी वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से कुछ अच्छा खासा लूट लेते हैं और लूट कर निकलते हैं बंदे के तलाश में। तो हम निकलते हैं बंदे के तलाश में। जब तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का लाइक एम रखते हैं ज़्यादा नहीं, 15 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग पूरा करा दीजिएगा। तो चलिए हम बंदे को बजाते हैं। तो हम वहाँ से लूट फूट कर चला रहे हैं ठड़े में, और ठड़े में देख रहे थे कि कुछ साइड से फायरिंग का आवाज आ रहा था, तो एक स्कॉट दूसरे स्कॉट लड़ रहे हैं। तो देखिए सारे बंदे को हम कैसे निपटाते हैं। और ये बंदे को तो हम क्या कहें, ये बंदे तो सोचते हैं कि बंदे यहाँ पर एक ही बंदे हैं और उसे ऐसा लगता नहीं है कि इसके पास शॉटगन होगा। तो बंदे को तो निपटा देते हैं शॉटगन से, और इस बंदे को तो हमें ऐसा लगता है कि उस बंदे को फिनिश कर देते हैं। लेकिन सिंह भाई कहें कि नहीं, पहले मुझे यानी हम नोक हो गए हैं तो सबसे पहले रिवाइव दो, उसके बाद उस बंदे को मारना है। तो उस बंदे को मारने के लिए जाते हैं तो देखते हैं इधर उधर कहाँ गया बंदा, कहाँ गया। और ये बंदे को देख रहे हैं तो ओ माय गॉड, ये बंदा अपने बंदे से जा रहा है यानी रिवाइव होने के लिए जा रहा है। तो उस बंदे को हम पहले फिनिश कर देते हैं, उसके बाद स्मोक करके जल्दी से लूटते हैं। क्योंकि अगर आप खुले में हैं, अगर आपके पास लूट नहीं है तो स्मोक करके लूटिए, क्योंकि स्मोक का यूज यहीं है। तो जल्दी से फटाफट लूटते हैं। और यहाँ पर बंदे हमें मिल ही नहीं रहते, क्योंकि हमारा स्क्वाड हाउस पर बंदे हॉट ड्रॉप पर बंदे ही नहीं रहते थे, तो हमें किल कैसे ज़्यादा हो सकता है। तो हम जल्दी से इधर उधर बंदे की तलाश में इधर उधर गाड़ी लेकर घुमा रहे हैं ताकि बंदे जल्दी जल्दी मिल सके, और पता भी नहीं जा रहा कि बंदा उतरे हैं तो कहाँ उतरे हैं। तो बहुत तलाशते हैं, उसके बाद यहाँ थर्ड हिल में आते हैं तो कुछ दो तीन किल निकाल ही जाते हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी लेकर चलते हैं थर्ड हिल से, क्योंकि बंदे ही नहीं है तो थर्ड हिल में करें तो क्या करें। तो यहाँ पर गाड़ी लेते हैं और यहाँ से अच्छा खासा किल तो नहीं निकलता है, और यहाँ से गाड़ी लेकर उदास ही जाना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ से हम गाड़ी लेकर सोच रहे थे कि ओल्ड बासिंग की ओर चले, तो हमें सिंह भैया बोल रहे हैं कि नहीं चलो जिस साइड ड्रॉप गिरा उस साइड कुछ बंदे तो ज़रूर होंगे, कुछ स्कॉट तो ज़रूर होंगे। तो देखिए सारे बंदे को हम इधर उधर सोचते हैं कि चलो सिंह भैया का ही नाम बात मानते हैं और उसके बाद चाहते हैं। तो यहाँ पर रेड वाला हाउस जैसे ही हम गाड़ी गुजार रहे थे, और जैसे ही हमें कुछ फायरिंग का शॉट यानी आवाज़ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम रुकते हैं और जल्दी से इस बंदे को मारते। तो देखिए और हमें पता नहीं चल रहा था कि ये बंदा यहाँ पर लेट कर क्या रहा था। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बंदा क्या कर रहा था। तो यहाँ से हम आते हैं इस बंदे के, और यहाँ पर ही एकदम जस्ट हमारे पास रेड जोन गिरता है। तो हमारा सिंह भैया बोलते हैं कि वो अरे भाई जल्दी सेफ जोन यानी सेफ में चला जाए, घर में चला जाए। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे से नहीं है, रेड जोन से कोई दुश्मनी नहीं है, है दुश्मनी तो तुमसे दुश्मनी है, तो तुम पे ही गिरेगा, मुझ पे नहीं। तो इस बंदे को जल्दी से निपटाते हैं, और इस बंदे को निपटाते हैं जैसा ही इसका टीममेट आ जाता है। इसको हम कैरेट लूट रहे थे तो कॉल लगाता है और अपने टीममेट को भेज देता है कि जल्दी जा, लूट रहा है, जल्दी जा जल्दी जा। वो जल्दी से आता है और हम मारते हैं इसे, और गुस्सा उतारने लगता है हमारा टीममेट पर। तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मारे हैं हमें तो हमें मारो, हमारे टीममेट को क्यों मारते हो। तो इस बंदे को देखिए जल्दी से, टीममेट जो बंदा हमारे टीममेट को मारा था उस बंदे को देखिए, और ये बंदे को मारते हैं तो हमें तो किल नहीं मिलता है, मिल जाता है सिंह भैया को। तो जल्दी से कुछ अच्छा खासा लूटते हैं और लूट कर यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि
और बंदे पता नहीं चल रहा था कि बंदा उतरे हैं तो कहाँ उतरे हैं, ओल्ड बासिन में उतरे ही, थर्ड हिल में उतरे ही नहीं है तो स्टेडियम उतरे तो उतरे हैं कहाँ से। तो इस साइड देख रहे थे एक कुछ बंदे लूट रहे थे कैरेट से, उस बंदे को भी निपटाते हैं और जल्दी से हम अपना गाड़ी, हम अपना सिंह भैया से जल्दी से बुलाते हैं गाड़ी लेकर, आज जल्दी से हम बंदे पर बोलते हैं। तो देखिए तो यहाँ से हम गाड़ी लेकर इधर उधर खूब घुमाते हैं तो लेकिन बंदा नहीं मिलता है, तो हम सीधे आ जाते हैं ओल्ड वासिन, क्योंकि ओल्ड वासिन की ओर आते हैं क्योंकि यहाँ पर सेफ जोन बन गया था और यहाँ पर एक ट्रिप वर्क करता है जो आप देख ही सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगर ओल्ड वासिन जाना है, अगर रोड के पास बंदे भी हैं, अगर ब्लू जोन भी है तो कैसे हम पार हो सकते हैं। तो आप जानते हैं इधर आगे का टावर के पास, यानी टावर के पास एक बार जल्दी से रनिंग कर यहाँ पर पहाड़ के पास कोई भी गाड़ी लेकर रनिंग से पार कर सकते हैं, तो जल्दी से इस साइड से उस साइड हो सकता है, तो बहुत आसानी है। तो अगर टिप्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम इस साइड आते हैं ओल्ड वासिन की ओर, और ओल्ड वासिन में दो बंदे को देख रहे हैं कि मजा कर रहा है, चिल कर रहा है। वो बंदा बोल रहा है कि हमारा हेड, मैं अपना हेड पर गिरा लिया, ड्रॉप हेड पर गिरा लिया, तो लूटते हैं मज़ा से। और उस बंदे को पता नहीं है कि हम भी आ गए हुए हैं, तो उस बंदे को जल्दी से नॉक कर देते हैं। और क्योंकि वो बंदा गलती कर देता है, गाड़ी लेकर आता है लेकिन अपने टीममेट को बोलता है जल्दी से बैठ जा, जल्दी से बैठ जा, और अपना टीममेट को बैठा नहीं पाता है और वो बंदा कर नोक कर सकते हैं। तो एक बंदा नोक हो जाता है तो पूरा स्क्वाड को खाने में बहुत आसानी हो जाता है। और पता नहीं ऐसा हमें लग रहा था कि डू भर से डू लगा हुआ है लेकिन स्क्वाड भी रहता है। तो देखिए इस बंदे को जाते जाते हम निपटा देते हैं, तो निपटा तो नहीं पाते हैं लेकिन उस बंदे को भी निपटा देंगे और उस बंदे को खोते हैं जो बंदे इसका टीममेट है। तो देखिए इसका टीममेट को कैसे मारते हैं, और इसका टीममेट के पास रॉकेट लॉन्चर है, तो हम कुछ हल्का बचिंग कर मार रहे थे ताकि ये बंदा रॉकेट लॉन्चर ना छोड़ दे, और ऐसा नहीं होता है, वो बंदा रॉकेट लॉन्च तो नहीं छोड़ पाता है। और इस बंदे के इस भी स्क्वाड का यानी इस दोनों बंदे को भी आसानी से कर लेते फ्रेंड्स। और हमें ऐसा पता नहीं चलता था कि दो तीन बोट आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इतना तगड़ा लोबी है तभी भी बोट आते हैं, पता नहीं हम क्या कहें। तो यहाँ से अच्छा खासा लूट, तो बहुत अच्छा खासा इस बंदे के पास लूट होता है। और हम आरपीजी गन और आग भी था इसके पास, तो लेकिन आग नहीं रहते हैं, तो उस बंदे को छोड़कर इधर आते हैं। तो देखना है कि एक बंदा डीपी लेकर हमारे टीममेट को मार रहा है, तो हमारा टीममेट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहता है और बहुत ज़्यादा जोश के साथ रहता है, तो वो टीममेट भी कर लेते हैं उस बंदे को भी फिनिश कर, फिनिश करके हम इधर ओल्ड वासिन में घूम रहे थे क्योंकि ओल्ड वासिन में सेफ जोन बना था और रोप भी गिरा था पूरा खुले में ही है, तो बंदे की हम तलाश में रहते हैं। तो देखिए बंदा कहाँ मिलता है, और हम जो सोचते हैं वही होता है क्योंकि बंदे खुले में थे और उस बंदे के अच्छा खासा गंदा सप रहते थे। और वो बंदा जाकर इस गाड़ी वाले पेड़ के पास, गाड़ी है उसके पास जाकर वो सेफ रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बंदे तो दो तीन इसका बंदे और बचे हैं जो पानी से हमें अंदाज लग रहा था कि पार हो रहे हुए, तो अच्छा टाइम है इस बंदे पर रस बोलने का। तो हम सीधे अपने टीममेट को भी नहीं लेते हैं, मैं सोचता हूँ कि चलो दो बंदे भी होंगे तो अच्छा सा आसानी से बहुत आसानी से क्लच कर लेंगे। तो देखिएगा कितना बड़ा स्कैन होता है, बहुत बड़ा स्कैन नहीं स्कैम होता है। तो देखिए और ये हम गलती करते हैं कि ये बंदा के हम सामने से चले जाते हैं फर्स्ट लेन में, और ये बंदे हम बहुत ज़्यादा गंदे डैमेज दे देते हैं, तो हम जल्दी से बड़ा बड़ा फर्स्ट लेन लगाते हैं। जब तक ये लगा रहे थे जैसे ही हमें फूल होता है जैसे ही इसका टीममेट आ जाता है, तो इसका टीममेट से बहुत ज़्यादा गंदे फर्स्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए और ये हल्का छीट बंदा था, तो देखिए हम रिलोड करते थे, ये बंदा क्या कर रहा था, ये बंदा उधर खुले में सोच रहा होगा कि जोन के बाहर चला गया होगा। तो इस बंदे को तो जल्दी से हम फटाफट मारते हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि टीममेट अगर इसका टीममेट होगा तो तभी भी हम जल्दी से इसे निपटाते हैं, जब तक क्योंकि हमारे पास हेल्थ भी नहीं था, तो जल्दी से दोनों बंदे को निपटाते हैं और इसका एक टीममेट और बचता है, यानी एक बंदा और बचता है। और उस बंदे को देखिए जो हमारा टीममेट को मार रहा था और हम इस बंदे को पीछे से लुक कर इस बंदे को मार रहे थे, तो इस बंदे को चला जाता है पूरा फोगा चला जाता है मेरा टीममेट पर, हम इस साइड से मारते हैं और इस बंदे को मारकर जल्दी से बहुत आसानी से हम निकाल लेते हैं। विनर विनर चिकन डिनर। आई होप यह गेम प्ले वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्त को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।